हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बागवानी। आप सभी को मेरे बागवानी में स्वागत है। चलिए आज और एक नया वीडियो और नया जानकारी के साथ मैं हाजिर हो गई हूँ। तो आज हम लोग ओकरा और भिंडी और लेडीज फिंगर के बारे में थोड़ा जानेंगे कि घर में मैं कैसे भिंडी उगाती हूँ मेरे छत पे, मेरे रूफटॉप गार्डन पे। तो आज उसी के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ साझा करेंगे। पहले दिखा देते हैं, ये देखिए मेरा ओकरा का प्लांट। ये सभी बहुत ही स्वस्थ है और अच्छे से हो रहा है। ये सभी को मैंने बड़ा वाला ग्रो इंची में, ग्रो बैग में 3-4 करके पौधा लगाया हुआ है। तो ये ऐसा 3 ग्रो बैग में मैं पौधा लगाई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कैसे आप घर में इजीली ओकरा को उगा सकते हैं। पहले दोस्तों ओकरा के लिए सीड का जो चॉइस है ना, वो चूज करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं क्या करती हूँ, मेरे लोकल जो भी नर्सरी है उसी से मैं सीड खरीद के लाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने ये ओकरा का सीड और भिंडी की सीड लाई हूँ। ये मैं 5 रुपीज़ का लाती हूँ, बहुत सारा होता है तो थोड़ा बहुत मैंने लगा चुकी हूँ। और आप लोगों को दिखाने के लिए अभी 3-4 ही सीड मैं इसका सीडलिंग बनाने के लिए दूंगी। ये 4 ही देते हैं क्योंकि मैं पहले ही ये इसको ग्रो कर चुकी हूँ और मेरे पास और जगह और ग्रो बैग खाली नहीं है जिसमें मैं ग्रो कर सकती हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा और भी 3-4 ऐसा सीडलिंग तैयार हो चुकी है जिसको मैं किसी दूसरे पॉट में इसको नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये मेरा एक 12 इंच का जो ग्रो बैग है उसी में है। तो इसमें से ये 3 ही, मैंने बहुत सारा सीड इसमें लगाए थे लेकिन ये सिर्फ 3 ही इसमें ग्रो हुआ है। और जिसमें ये एक और ये एक, ये 2 ही पौधा मेरा स्वस्थ है। और देख, आप जैसे देख सकते हैं दोस्तों, ये पौधा स्वस्थ नहीं है तो मैं इसको नहीं रखूंगी और इसको मैं निकाल दूंगी, लेकिन और 2-3 दिन जाने के बाद। तो पहले अब क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे मिट्टी को ना पहले थोड़ा खोद लेना है। जो भी आपके पास गार्डन का सामान है उससे आप ऐसे खोद लीजिए। इसी बैग में और मैं 3-4 पौधे को सीड डालूंगी, सिर्फ 3-4 ही सीड डालूंगी क्योंकि मेरे पास और जगह नहीं है। तो सोचा आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस भी साझा कर लेती हूँ और इसका एक थोड़ा जानकारी देने के लिए वीडियो भी डाल देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, मेरा मिट्टी अच्छे से ही मैं तैयार करती हूँ, ये अच्छा ही है। और पहले आप मिट्टी को ऐसे भुरभुरा करके बना लीजिए। सीडलिंग तैयार करने के लिए मैं कोई स्पेशल मिट्टी वगैरह तैयार नहीं करती हूँ, जो भी मेरा गार्डनिंग का सॉयल है मैं उसी से ही तैयार करती हूँ, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है, बच्चों को संभालते संभालते दिन गुजर जाता है। तो इसीलिए जो भी टाइम मिलता है मैं बहुत ही सिंपल तरीके से गार्डनिंग करती हूँ। कोई स्पेशल तरीका या स्पेशल मिट्टी या स्पेशल केयरिंग मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए जो भी सिंपल तरीके से मैं उगाती हूँ वही आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। ऐसे छोटा छोटा आप उंगली से ही छोटा ऐसे गड्ढा बना के इसमें सीड डाल दीजिए। पहले मैं बोल दूँ दोस्तों, ये सीड को आप चाहे तो पानी में 6 घंटा या रात भर भिगो सकते हैं, लेकिन भिंडी के सीड के लिए मुझे नहीं लगता भिगोना का उतना ज़रूरत है। आप चाहे तो रात भर भिगो लीजिए, फिर दूसरे दिन नेक्स्ट दिन आप ऐसा कर लीजिए या सुबह भिगा लीजिए, शाम को इसको प्लांट के सीडलिंग के लिए डाल दीजिए। तो मैं ऐसे ही डालती हूँ, मेरा ये भिगा हुआ नहीं है। तो ऐसे उंगली से छोटा एक मिट्टी में गड्ढा खोद के इसको दे दीजिए। ये रहा 3 वाला और ये 1-4, ये 4 को ही मैं दे रही हूँ। तो पिछले वाला सीड जो था मेरा उतना अच्छा नहीं था, पुराना था, इसीलिए सभी ग्रो नहीं किया है, सिर्फ इस 3 ही ग्रो किया है। ऐसे थोड़ा हल्का हाथ के साथ मिट्टी को दबा लीजिए,
फिर क्या करना है दोस्तों, थोड़ा पानी अच्छे से दे दीजिए। क्योंकि पानी देना बहुत ही ज़रूरी है। तो दूसरे दिन जब भी मिट्टी सूखा सूखा आपको महसूस होना, तब भी और थोड़ा पानी दे दीजिए। क्योंकि मिट्टी गीला रहना बहुत ही ज़रूरी है, और ज़्यादा गीला रहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि तब सीड गल जाएगा। थोड़ा थोड़ा नमी मिट्टी में अगर रहेगा तो सीडलिंग अच्छे से निकल पाएगा। तो ऐसे ये देखिए दोस्तों, ये मेरा आफ्टर 10 डेज इसका अपडेट है। ऐसे ही मैंने सीड लगाया था, जैसे आप लोगों को अभी दिखाया ना, इसके बाजू में ही मैंने अभी सीड लगाया। इसका अपडेट भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दूंगी। 4-5 दिनों के बाद इसमें से अंकुर निकल आएगा, और 10-12 दिन के बाद आपका पौधा ऐसे तैयार हो जाएगा। लेकिन भिंडी का एक प्रॉब्लम, जो मेन प्रॉब्लम मुझे लगता है ना, इसमें रोग और कीड़े मकोड़े का आक्रमण थोड़ा ज़्यादा होता है बाकी पौधों के मुकाबले। तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। रेगुलर आपके गार्डन में आप नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। बस सिर्फ नीम ऑयल ही मुझे लगता है सफिशियंट होता है। और इस बरसात के मौसम के लिए मैं वीकली एक बार मैं फंगिसाइड साफ पाउडर का स्प्रे ज़रूर करती हूँ। क्योंकि नहीं तो बरसात का ये और एक प्रॉब्लम है कि फंगस बहुत ही जल्दी लग जाता है। तो 10-12 दिन के बाद आपका सीडलिंग ऐसे तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहे तो सीडलिंग को ऐसे स्टेज में ना, जब 4-5 पत्ता इसका रहेगा, ऐसे स्टेज में जो भी आपका स्वस्थ पौधा है उसी को आप निकाल के दूसरे पॉट में आप इसका प्लांट लगा दीजिए। और नहीं तो मेरी तरह जिस ग्रो बैग में आप उगाएंगे उसमें ही आप सीडलिंग तैयार करने के लिए दे सकते हैं। तो ये रहा 12 दिन के बाद, धीरे धीरे आपका भिंडी का पौधा बढ़ता जाएगा। लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वीकली वंस आप नीम ऑयल्स का स्प्रे दीजिए, और एक बार फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर दीजिए। याद रखना दोस्तों, नीम ऑयल एंड फंगिसाइड ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है भिंडी के लिए। और ज़्यादा पानी होने के वजह से भी भिंडी का पौधा खराब हो सकता है, तो इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा केयर मांगता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा मिट्टी इसके लिए ज़रूरत नहीं है, सार खाद भी ज़रूरत नहीं है। आप 12 इंच की ऐसे ग्रो बैग में आराम से 2 पौधा आप आराम से उगा सकते हैं। और अगर 15 इंच बाय 15 इंच ग्रो बैग आप ले लीजिएगा तो उसमें 4 पौधा आराम से आपके उग जाएगा। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं मेरा बड़ा वाला पौधे को। ये रहा दोस्तों मेरा बड़ा वाला जो भी पौधा है, ये रहा। मैं इसकी हार्वेस्टिंग आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। ये मुझे लगातार फल देते जा रहा है। ये बड़ा हो गया, इसीलिए मैं और 4-5 पौधा लगा रही हूँ, जिसके वजह से आप लोगों को दिखाया। क्योंकि जब ये बड़ा हो जाएगा तब उस 5-6 जो पौधा जो भी मेरे पास रेडी होगा उसमें से मैं तब फल ले सकती हूँ। तो ऐसे स्टेज बाय स्टेज टाइम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं पौधा लगाती रहती हूँ, ताकि एक से फसल समाप्त होने पर दूसरे से फसल मिल सके। तो ये रहा एक सिंपल टिप्स। अगर आप लोगों को मेरा जानकारी पसंद आया, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए माय बागवानी, और लाइक और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।